पीहू, जूही मैम, माँ ने बता दिया क्या पापा को? पापा कुछ बोले क्या? जूही मैम बताओ ना। कुछ नहीं बताया, एवरीथिंग इज हैंडल्ड, ओके? डोंट वरी। रियली? रियली। मामा ने पापा को नहीं बताया? थैंक यू मैम। यू नो व्हाट, यू द काइंड ऑफ अ मदर आई ऑलवेज वांटेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू। लेकिन जस्ट टेक अ लॉट ऑफ केयर, ऐसी गलती दोबारा मत करना। या गुड गर्ल। थैंक यू। क्या डिस्कशन हो रहा था? कुछ नहीं, बस वो नेहा विक्रम की यहाँ डिनर है तो आपको क्या पहनना चाहिए। एक मिनट, तुम पीहू के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे? आई हर्ड अ नेम। नहीं तो पीहू, हाँ पीहू के बारे में, वो उसकी स्कॉलरशिप के बारे में बस ऐसे कुछ डिस्कस कर रहे थे। प्रिया, तुम लोग दोनों आर्ग्यू तो नहीं कर रहे थे ना? आज तक तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग आर्ग्यू कर रहे थे। आर्ग्यू क्यों करेंगे हम मिस्टर कपूर? जूही और मेरे बीच में आर्ग्यू करने के लिए है ही क्या? ये बात भी सही है। लेकिन अब देर हो रही है। अरे, वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स है, यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको तो इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है ना? हाँ पसंद नहीं थे, पर एक्चुअली क्या है ना, वो पिछले 7 सालों में एक दो बार मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट। व्हाट इज दिस डूइंग हियर? बट इट्स टू स्ट्रॉन्ग। मुझे पसंद है। स्ट्रेंज, पिछले इन 7 सालों में आपकी पसंद बहुत बदल गई है मिस्टर कपूर। सॉरी, एक्चुअली मैं सिट की परफ्यूम और कोट यहीं पर भूल गई। कैन आई हैव इट प्लीज? ओह, ये सिट के लिए, आई एम सो सॉरी। नो नो, अगर आप रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आई विल बाय सिट अनदर वन। नहीं, डोंट बी सिली यार, सिट के सिट को दे। मैं चेंज कर दूं। नेहा और विक्रम का फोन आया था, वी हैव टू गो फॉर डिनर, तो मैं बाहर गए थे एंड आई जस्ट लाइक समथिंग, सो दिस इज फॉर यू। और ये परफ्यूम भी। थैंक्स, इट्स अ नाइस कलर दो। एक मिनट जी। जूही, तुम जानती हो मैं जेल में था, मैंने लाइफ में ज्यादा कुछ कमाया नहीं, लेकिन अब बाहर आने के बाद मैंने भाई के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो अच्छा चल रहा है। मैंने ये वॉचेस लिए हिज एंड हर्स। तुम्हारे लिए और मेरे लिए? नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मैंने कुछ नहीं लिया, ये फैमिली के लिए। ये हर्स वाला आप नैना के लिए और ये खुश के लिए। थैंक यू, इट्स नाइस। तो अपने लिए वॉच नहीं खरीदी? नहीं, मुझे वक्त पे भरोसा नहीं है। जो मेरे लिए फेवर करोगी? बोलिए। ये वॉच खुश को दोगी? अगर मैं दूंगा तो वो लेगा नहीं, अगर तुम दोगी तो हम शो लेगा। जैकेट पहनकर देख लीजिए अगर फिट हो रहा है कि नहीं। सी यू एट डिनर। वेलकम। आ गए तुम लोग। हाय हाय, अरे मैच शुरू हो गया यार। ऑन द टीवी यार। गॉड, हाय हेलो। वन सेकंड कम। आज पहचाना ना? अरे चलो भी अब बाहर नशे के बातें करते ना।
घर बदला बदला सा लग रहा है ना. फाइनली विक्रम ने सही चीजों में इन्वेस्ट किया. कुछ नहीं चेंज हुआ है बाबा, हम सब सेम हैं, सब ठीक हैं, ऑल इज वेल, कुछ नहीं बदला है. बदला तो है नेहा, तुम्हें चश्मा लग गया. और मेरी जिंदगी से 7 साल गायब. मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं ना किसी और की जिंदगी में घुसने की, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरे लिए तो बहुत कुछ बदल गया. आई कैन अंडरस्टैंड तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो. देखो तुम्हारे लिए तो तुम हम सबसे 7 साल बाद मिल रही हो, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बदला क्योंकि इन 7 सालों में हम तो तुमसे रोज मिले. और पता है हॉस्पिटल में ना मैंने रोज आकर तुम्हें खूब बताया, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया, पार्टी की खिंचाई की, विक्रम से जब भी लड़ाई की, बच्चे जब बड़े हो गए, रिद्धिमा की शादी के बारे में सब कुछ बताया. आई हैव एक्चुअली बीन अ गुड फ्रेंड ऑल दीस इयर्स. मैंने अच्छे से दोस्ती नहीं निभाई नेहा, तुमसे इतना झगड़ा किया, तुम्हें इतनी सारी बुरी बुरी बातें कही हैं, सॉरी भी नहीं कहा तुम्हें. पागली सॉरी आई यू मैड भैया. यार वो लड़ाई तो मैं भूल भी चुकी हूँ. एज फार एज आई एम कंसर्न इतने सालों में अगर हम एक बार लड़े हैं ना तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. We're excellent friends. अब तुम्हारे इस कमबैक से पता है how relieved I'm feeling? क्योंकि इन सब सालों में ना फैटी और विक्रम ने मुझ पे गैंग अप किया है और मुझे बुली करने की कोशिश की है और दोनों हमेशा मेरे ऊपर चढ़ जाते थे और तुम थी नहीं और मुझे अकेले लड़ाई करना पड़ता था. एंड I always said कि जब प्रिया आएगी ना तब मैं सबक सिखाऊंगी. So thank you for coming back. वापस तो मैं आ गई. That's all right. लेकिन ये मैं नहीं मान सकती कि उन दोनों ने तुम्हें बुली किया होगा. वो दो क्या 10 लोग भी अगर गैंग अप कर जाए ना तो भी तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता. आई एम श्योर तुमने ही उन्हें बुली किया होगा. हाँ ओके समटाइम्स. अच्छा बताओ आई ओके, तुम घर में ठीक से सेटल हो पा रही हो. हाँ ठीक हूँ. सेटल पता नहीं, रीसेटल करने की कोशिश कर रही हूँ. सब कुछ इतना नया नया सा लग रहा है. बट आई एम हैप्पी नेहा कि मेरी एब्सेंस में मेरे दोस्तों ने कितनी अच्छी तरह से दोस्ती निभाई. तुमने, जूही ने मिस्टर कपूर को, घर को, बच्चों को कितने अच्छे से संभाला यार. मैं थैंक्स भी बोल सकती हूँ. नो थैंक्स. चुप. नेहा एक चीज बहुत बॉदर कर रही है यार. 7 साल पहले वो एक्सीडेंट और वो सब, यू नो, मुझे ऐसे लगता है जैसे पीहू अभी तक मेंटली उस चीज को लेके बहुत अपसेट है. यू नो एंड यू नो बिकॉज मैं 7 साल तक थी नहीं तो वो शायद मुझसे शेयर नहीं करती यार. उसने तुम्हें बताया होगा. इज देयर समथिंग रॉन्ग? प्लीज टेल मी बिकॉज आई एम रियली वरीड फॉर हर. वो ठीक है ना? शी इज ओके ना? शी इज ओके. शी इज मोर देन ओके. तुम्हारी पीहू बिल्कुल वैसी है जैसे तुम उसे छोड़ के गई थी. शी इज अ लवली गर्ल. एंड 7 साल पहले जो भी हुआ था इट वाज जस्ट अ बैड इंसिडेंट और वो भूल चुकी है सब कुछ. शी इज अ रियली गुड गर्ल. तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके शी इज अ गुड गर्ल. स्टॉप इट यार प्लीज. वेयर ओके. स्टॉप इट. अब चलो हम अपने पतियों को सचिन तेंदुलकर से छीन लें. इस आदमी के बाद मैच पे मजा ही नहीं आने वाला है यार. भाई एक दो मैच और है, एंजॉय कर लो, उसके बाद तो रिटायर हो. आई नो यार, ये तू मुझे कह रहा है. मैं इतने सालों से यही तो कह रहा हूँ कि इज गोना रिटायर यार. ओए तूने कब कहा ये इज गोना रिटायर? मैं तेरे को कह रहा था. प्रिया बाबा डिनर पे मैंने तुम्हें बुलाया, तुम किचन में क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ. प्रिया आ गई. आ गई. हाँ आलू के पराठे फॉर मिस्टर कपूर. हाँ वो मैंने सोचा
इतना वक्त हो गया मिस्टर कपूर ने मेरे हाथ के आलू के पराठे नहीं खाए, तो क्यों ना आज बना दूं। ग्रेट आइडिया। और ये सारा का सारा बटर है ना, वॉच फैटी, एक ही पराठे में डालेगा और एक बाइट में खा जाएगा। आई एम श्योर। बिल्कुल नहीं। Are you mad? एक तो आलू के पराठे कब के छोड़ दिए, ऊपर से तुम इतना बटर लगा रही हो। सीरियसली ने यार, टू स्ट्रिक्ट यार, कभी कभी चलता है। अरे कभी कभी यू नो, कभी कभी नहीं होता, हमेशा हो जाता है, तो लेट इट बी नाउ। यू नो तुम्हारी डाइटिंग की वजह से मैं फैटी को फैटी नहीं कह पा रही हूँ। गुड, ही इज लॉस्ट वेट यार। जस्ट कॉल हिम फॉर डिनर, बुलाना प्लीज। यू थिंक ही इज गोइंग टू कम? वो नहीं आएंगे, सचिन तेंदुलकर देख रहे हैं यार। अरे मैं कहूंगी ना, रिया ने आलू के पराठे बनाए, जरूर आए। बेट बेट चैलेंज। चल मैंने ही तुझे कहा था कि सचिन जल्दी रिटायरमेंट लेगा। अरे यार एक मिनट, जूही जूही एक साल पहले बोला था। हाँ तो एक साल पहले मैंने ही तो बोला था। Hello, Pihu. You got the picture? Benji is not like the way she pretends, right? You come soon, huh? I'm at Click Coffee Shop. Yeah. Bye. यार एवरीथिंग स्मेल्स सो नाइस, आज मैं बहुत खाने वाला हूँ। तो खा लो। अरे हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दे। हाँ, चिकन की बढ़िया की बढ़िया। ए, आप नहीं खा सकते ये। प्रिया, तुम इनको बोलो बटर चिकन है यार, कितना बटर है। अरे बटर चिकन ऐसे ही बनता है, प्लीज नेहा, बटर तैर रहा है। नो, ही इज गॉट हाई कोलेस्ट्रॉल यार। बट एक मिनट यार, मुझे ये बहुत पसंद है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं यार। प्लीज, कभी कभी जो चीजें पसंद आती है ना, उसे भी छोड़ना पड़ता है, राइट? ओके यार, एक्चुअली यू नो व्हाट, आज तुम्हें सब कुछ माफ है। यू वांट टू नो व्हाई? क्यों? आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज यू एंड सिना गेटिंग मैरिड। You know, Ram, I'm also actually very happy. Why? तुम्हें और प्रिया को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खाना शुरू करें? Not this one, please. हेलो, तुम मीना सुहानी, पता है कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बीच रास्ते में पहचानने से इनकार कर देती हैं। आई थॉट यू आर डिफरेंट, लेकिन तुम तो मुझे बीच कॉफी शॉप में पहचानने से इनकार कर रही हो। आई मीन दैट्स क्वाइट फनी है सुहानी, डू यू नो दिस गाय? अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? हे हाय। हे मिस्टर। हे पीयू, कम है ना? अब मैं तुम्हारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराता हूं। यू, ये है सुहानी। इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस शी इज दिस नाइसेस्ट एंजल लाइक गर्ल। क्योंकि प्रिया आंटी को मेरे और पीहू के बारे में पता नहीं क्या उल्टा सुल्टा बोलती रहती। दिस इज हर रियलिटी। यहां पे बैठी हुई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, राइट? देखो सामी, ये मेरे बॉयफ्रेंड। इज इट? यू मीन जस्ट अ फ्रेंड? रात के इस समय एक कॉफी शॉप में कोजीली दो लोग बैठे हैं और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, राइट? कम ऑन यार, ये बहन जी, आकर ना बंद कर दो।
अगर तुम्हें प्रिया आंटी के सामने गुड गर्ल एक्ट करना था तो हमें बता देती, हम कुछ नहीं कहते, आई स्वेयर। बट डोंट स्निच ऑन अस, ओके? डोंट। मैं और पीयू जैसे भी हैं, सबके सामने है, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन सबके सामने तुम्हारी तरह नहीं है, गेट इट? आई मस्ट से सुहानी, कमाल की एक्ट्रेस हो यार तुम। मतलब घर पे तुम जिस तरीके से रहती हो मामा के सामने, सीधी सादी बोली बाली, कोई ये बोल भी नहीं सकता कि तुमने किसी लड़के से बात भी की हो। और यहाँ फुल ऑन रोमांस, हाँ, अमेजिंग फेस ऑफ। मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर्स मिडनाइट में रोमांस करते हैं, और वो भी कॉफी शॉप में। ग्रेट गोइंग है, कीप इट अप। लव यू। और हाँ, आई हैव अ वेरी नाइस बैचलर पैड फॉर माय फ्रेंड। अगर तुम दोनों को अपना क्वालिटी टाइम, वो कोजी टाइम स्पेंड करना हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। चल माना मैं, ओके? गुड नाइट। एक्चुअली सुहानी, इट्स ओके टू हैव अ बॉयफ्रेंड, लेकिन यहाँ ओपन में कॉफी शॉप में इट लुक्स वेरी चीप, है ना? क्योंकि ऐसे कॉफी शॉप में जहाँ कपल्स हाथ पकड़ते हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं, और वो सब करते हैं जो ओपनली अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली व्हाई डोंट यू गाइस चेक इनटू अ क्लासी होटल, कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, है ना? गुड आइडिया। क्या हुआ? ओह, अफोर्ड नहीं कर पाओगे? कम ऑन, डोंट वरी, आई एम देयर टू पे ना, आई विल पे। आफ्टर ऑल यू आर माय मदर्स नर्स ना। आप यहाँ क्यों खड़ी है? मार्टी जॉइनिंग अस। मुझे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं, और फिर चारों दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा। कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी दोस्ती होगी हमने। दोस्ती? होनी भी चाहिए दोस्ती, दो लोगों के बीच या किसी भी रिश्ते में दोस्ती तो होनी ही चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए सिद्धांत, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती से ही शुरू होता है, और दोस्ती हो तो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बहुत अजीब सी होती है ये दोस्ती, कई बार प्यार, परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, लेकिन अच्छा भी है, जब कोई नहीं होता ना तब दोस्त ज़रूर होते हैं। ये दोस्त कभी छोड़े नहीं जाते, या कहूँ कि छूटते ही नहीं। सिद्धांत, तुम खुश हो ना? हाँ भाभी, बहुत खुश हूँ। वैसे भाभी, थैंक यू। थैंक्स? किस लिए? आपने खुश को संभाला, भैया को संभाला, और भैया ने मुझे संभाला, सारा क्रेडिट आपको जाता है। वैसे भाभी, आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.